पहले तो मर गए। अरे हाई हाई पूरा आ रहा ना, वो उनका दिन बना ना, बैठे का दिन बैठा देंगे अंदर में। आग लगी है कि आग लगाई गई है, हमें शंका हो रहा है सुभाष पे, हम कुछ नहीं जानते क्योंकि वो लाठी लेकर चलता था। सुभाष तो मर रहा है, कम्प्लेन नहीं तुम लोग किए थे क्या? चौकी पर गए थे हम लोग, तो चौकी पर सर नहीं थे मोदी जी, तो हम लेकर खाने पर टोपा गए थे। साहब से कहे थे साहब तुरंत उसका मेडिकल उसका कराए, तो मेडिकल तो रिपोर्ट हो गया तो 323-500। शुरुआत सर बताओ, जैसे अमन का रवि जा दो जगह घर, एक कम से कम तो पतलो इतना दूर पाई पाई है सर। अच्छा, ये जो मरे हैं आप तुम कौन है? हम उनके भाई हैं, सगे भाई। जी सगे भाई, और हम तीन उसके लड़के हैं जी, एक एक बड़ी बहन की लड़की। आपका नाम? रमेश कुमार है। क्या हुआ पूरी घटना बताइए। पूरी घटना यही है सर कि मतलब हम लोग जब वहाँ से हम करा झुक रहे थे, वहाँ तीन चार आदमी करा पर थे, भेली मतलब सर बन नहीं रही थी, तीन बार उस पर करा रखे हम लोग झुक झुक कर, तब बनी भेली, तब भेली बना कर हम लोग अपने अपने घर आए, सब वो भी चले गए, हम भी चले गए थे, घर में सर खाना खा रहे थे, आ रहे जहाँ रहते हैं वहाँ, यहाँ नहीं खाना बनता है वहीं बनता है। खाना बना कर सर हम लोग जब खाना खा कर और कहे कि पानी ला, लोटा में पनिया खत्म लड़के वहाँ पी लिया, तो हम कहे कि मशीनिया पर जाकर धो ले रहे हैं, हम उसी तरह चल जाएंगे सोने के लिए, तो जो हम मशीन पर हाथ धो रहे हैं तब तक वहाँ से आग दिखाई देने लगी, चिल्ला कर हम लोग सर भागे, पूरे परिवार, दो एक बच्चा एक औरत तीन परिवार हैं, वर्तमान में एक छोटा सा लड़का है उसको गया। मौके पर पहुंचे सर तो यार आधा मतलब आग लग तक दो लड़के और पीछे से हमारे गए, तो अब हम लोग अपना मैंने सब सहयोग करने लगा सर, सहयोग करते करते हम लोग बेबस हो गए। झोपड़ी तीन थी या कैसी? मतलब झोपड़ी झोपड़ी सर। अच्छा, मड़ई 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 पतलू की मड़ई। अच्छा, वहाँ खाना बने ला जहाँ आग लग रहा? हाँ, वो बनाती थी वहीं रहती थी। बहन? हाँ बहन, वही खाती थी वही पीती थी वही अपना गला गुजारी सब मजूरी करते रहती। अच्छा अच्छा, तो फिर आग लगने तो क्या फिर कैसे निकाला आप लोगों ने, कैसे क्या हुआ? आग पहुँचे तो वहाँ क्या दिखा? वहाँ जब बहन जल रही थी सर उसको हम देखे तो हम कहे कि पंच सब जल रही, बहन इसी में सब है, पांचों लड़के इसी में है, पांचों लाश बताए तो कोई मैंने सब मिलकर उनको खोजा गया सर प्रशासन द्वारा सब। आप जब चले गए वहाँ पे तो मड़ई पूरी जल गई थी या चल रही थी? नहीं सर, आधा जल पकड़ ली थी, आधा बची थी तो हम लोग उलटना उसे उलट नहीं पाई सर, मेरे पिताजी गतरे गतरे खूंटा गाड़ कर पाने थे, पिताजी छाए थे उसी में रहते, साइड में हम मड़ई छा करे करकट रखे साइड में भैंस गोरू बांधते हैं, उसी समय भैंस गोरू को जब खिलाने के लिए हम लोग जाते हैं, जब खा पी कर सोने जाते हैं, सिर्फ यही काम है। तो उस आपके बहन को आवास कुछ नहीं? नहीं आवास वास नहीं सर, अपने हमारे यहाँ रहती थी तो कहाँ यहाँ आवास। अच्छा अच्छा, हमारा वहाँ एक कड़ी जमीन नहीं है, एक मुरिया जी दिए हैं, और 95 में सर हम लोग जब नई जमीन इंदिरा आवास मिला था 20,000 का सर, तो हम लोग सोचे कि कहाँ बनाएं, दूसरे के घर में घर बनाए थे सर, दूसरे की जमीन हरजन की तो अपना जमीनिया खाली करा दिए सर, तो हम लोग कहे कि अब चलिए कहीं, पिताजी से जब जीवित थे सर, माता जी पिताजी, हम लोग सोचे कि अब कहीं चले जाएं दूसरे गांव में, 70-80 साल से वहाँ रह रहे हैं थे, तो हम लोग बड़े गांव जन्मभूमि है वहाँ लेकर पिताजी हमारे रहने लगे। उसके बाद सर मौर्या जी बेचारे चाहे 1 रुपया लेकर चाहे दान दिए हैं वहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, तो उसके बाद डीएम साहब से कोई कहा कि आप लोग गुहार करिए कहाँ है जमीन है सर हमको दीजिए मौका पर बनाए घर द्वार, तो 15 दिन बाद वो भी जमीनियाँ सर प्रस्ताव द्वारा हिलाल प्रधान थे वही प्रस्ताव द्वारा नाप कर हम लोग को 30 कड़ी दिए हैं वहीं पर झोपड़े उपड़े। अच्छा, पिताजी रहते थे वहाँ। अच्छा, वो झोपड़े में? हाँ जी, बेड़ पालो है वहाँ, वहाँ पिताजी रहते थे, मतलब बहुत पूछ कतरा था सर। कहीं गांव में छोड़े किसी के विवाद और कुछ कहीं? नहीं, वहाँ सब विवाद हुआ नहीं था, ऐसे हमारे पिताजी अब जानते होंगे कि अब हम लोग नहीं जानते, हम तो इतने बड़े थे हमें को लेकर गए थे।